हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं तरबूज जैसे शक्ल वालों से बात नहीं करती। फिर क्यों बुलाया? ऐसे शक्ल वाले से तो बात करती हूँ ना। मोतीलाल तू? हाँ अम्मी, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना तरबूज। तू ना मुझे उर्मी मत बोल, समझे? तुझ जैसों के लिए ना मेरा नाम उर्मिला है। और ये सब छिछोरी हरकतें करना बंद कर, वरना तेरी शिकायत कर दूंगी। फिर देखना कैसे अकल ठिकाने आती है तेरी। इतना गुस्सा क्यों करती है उर्मिला? खूबसूरती पर इतना घमंड? कसम से मैं तुम्हारी इसी अदा पे तो मरता हूँ। किशोर कहाँ थे अब तक? ये बंद करो, बाबा देख लेंगे। बाबा क्या हो रहा है यहाँ पे? और मोतीलाल आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। उर्मी तू घर जा, इससे मैं बाद में निपटता हूँ। पर बाबा वो उर्मिला घर जा। मैंने सारी बातें सुन ली थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रास्ता काटने की? तेरा अपनी औकात देख, अपने आप को देख। मेरी बेटी के सपने देखता है, है? दिन में सपने देखना बंद कर दे और निकल यहाँ से। बस बस, उंगली उठाने से पहले खुद के गिरीबान में झांक के देख। सबको पता तेरी असलियत क्या है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो मुंह खोल दिया, मुझे धमकी दे रहा है तू? धमकी दे रहा है मुझे? रख रख, अभी बताता हूँ। क्या कर लोगे? बताता हूँ तुझे। बताओ ना, यही खड़े हैं। देखेगा मुझे दौड़ी का आदमी, गुंडा, लच्चा, लफंगा। इसको समझा किशोर, छोड़ दे मैं जैसे मार डालूंगा। बहुत देखे तुम जैसे गीदड़ों को गीदड़ भक्ति देते हुए। संभालो बुढ़ों को, कसम बता रहे बुढ़ों ही बर्बाद कर देंगे तुम्हारी हम। बेईमान कहीं का गुंडा, दौड़ी का आदमी। अरे देख लेना, मिलना नहीं तो फोड़ के रख दूंगा। चला फोड़ के रख दूंगा गुंडा कहीं का। मेरी बेटी पे डोरे डालता है, मेरी बेटी पे लफंगा कहीं का। अगर किशोर आज तू नहीं होता ना तो आज उसकी लाश मिलती लाश, मैं बता रहा हूं। शांत हो जाइए चाचा जी, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ खुद पे ही उछलता है। उर्मिला के खाते शांत हो जाइए, इसमें बदनामी उसी की होगी। क्या कर रहा है किशोर तू? अरे ये डॉली जी का स्पेशल ऑर्डर है, वो देख, वो कार्टन खाली पड़ा है। सब में माल ठीक से भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप घर जाके आराम कीजिए। डॉली जी को ये सारा माल आज ही डिलीवर होना है, तुझसे अकेले नहीं होगा। चाचा जी मैं सब कर लूंगा, इतने सालों से आपका वफादार, ऐसे ही थोड़ी ना हूँ। आप जाइए, उर्मिला आपका इंतजार कर रही होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। देख अब तुझे और ग्राहक देखने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ डॉली जी की डिलीवरी पे ध्यान दे, ठीक है ना? ठीक है, मैं आप बेफिक्र होके जाइए। कहाँ मर गए थे तुम? मैम मैं तो यहीं पे था। जीवन वित्त वालों को ऑर्डर आने वाला था ना, आ गया? मैम नहीं आया, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वेट कर रहा हूँ? अब तक तो ऑर्डर आ जाना चाहिए था ना। हाँ मैम, पर पता नहीं अभी तक पहुँचा नहीं है। पता नहीं अभी तक पहुंचा नहीं है, कौन पता करेगा? मैं फोन क्यों नहीं किया अभी तक उसे? तुम्हारी बीवी है क्या वो, जो तुम्हें उसे कॉल करने में डर लग रहा था? यू पीपल आर गुड फॉर नथिंग नथिंग। अब सर झुकाए क्या खड़े? कितना ऑर्डर दिया हमने उन्हें ये बताओ। मैम 20 किलो प्याज, 25 किलो आलू, 15 किलो शिमला मिर्च,
10 किलो ब्रोकली और बस 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 सब समझ गई। सारा ऑर्डर उठाकर एक जगह प्लेस कर देते हो। ऑर्डर अलग अलग प्लेस किया करो, कम से कम एक वेंडर सामान ना पहुंचा सके तो दूसरा तो पहुंचा दे। लेकिन मैम ऑर्डर तो आपने ही दिया। शट अप, जस्ट शट अप, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट अंडरस्टैंड। जीवन वेजिटेबल्स वालों को हम इतना बिजनेस देते हैं बट इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर क्यों? हेलो, यस सच, क्या बात कर रहे हो? ओके खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहे हो? जीवन वेजिटेबल्स वालों को फोन करो, पूछो ऑर्डर कहाँ है। ये मैम इतनी रात को कहाँ जल्दी, वो भी फोन सुनने के बाद, कमाल है। खैर मैं जीवन को कॉल करता हूँ, नहीं तो मैडम मेरी खबर ले लेंगी। अब इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ जी। हाँ जी नहीं, ना जी बोलिए, आपका माल पहुंचा नहीं अभी तक। जी कौन बोल रहे हैं? मैं डॉली जी के रेस्टोरेंट से असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ, गौरव। एक घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आया अभी तक। कमाल है, ऑर्डर अब तक नहीं पहुंचा, लेकिन किशोर ने तो कहा था कि वो 8 बजे तक माल पहुंचा देगा वहाँ पे। 10 बज गए हैं, अब क्या अगले दिन 8 बजे करोगे? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आज तक आपके यहाँ कभी माल लेट नहीं पहुँचा, सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। भाई ये एडवर्टाइजिंग करना बंद करो और पता करो कि ऑर्डर कहाँ है। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। किशोर तो अब तक निकल गया होगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए, अगर कल की बैंक्वेट की तैयारी नहीं हो पाई ना तो मेरी तो नौकरी गई। आप मुझे मार्केट में मिलिए, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है जीवन जी, जो भी करना है जल्दी करो, टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है। बस बस गौरव जी, आ गई है मेरी दुकान। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माल अब तक आप लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं। कुछ भी करो लेकिन जल्दी डिलीवरी करो, नहीं तो डॉली मैडम मुझे ऊपर डिलीवर कर देंगी, बहुत गुस्से में थी आज। अरे यहाँ तो कुछ नहीं, डॉली जी का माल ही गायब है यहाँ से, माल वहाँ पहुँचा नहीं, यहाँ है नहीं। अरे किशोर ने मेरे सामने पैक किया था। ये सब बोल के मुझे डराओ मत, पता करो किशोर कहाँ है, माल कहाँ है। माल चोरी तो नहीं हो गया? हे भगवान मैं क्या करूँ। तुम्हारा तो पता नहीं, मैं जरूर मरूंगा। किशोर को ढूंढो, उसे पूछो। लगता है ये वही चोर है जिसने माल चुराया। ए रुक, छोड़ूंगा नहीं। ए ए रुक रुक। लो चोर तो भाग गया और साथ में मेरे जिंदा रहने का चांस भी लेकर चला गया, अब डॉली मैडम मुझे जरूर मार देंगी। क्या करें क्या करें। अरे कहीं ढूंढो ना, इधर इधर ही छुपा होगा कहीं पे। लाश, क्या जमाना आ गया है, आजकल हमारी सब्जी मंडी में खून होने लगा है। सही कह रहे हो भाई, कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है कहीं मुझ पे ना हमला हो जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए। लाश कहाँ ये बताओ। सब उधर। हटिए हटिए, पीछे हटिए प्लीज। एक मिनट। ओ, लाश को निकालो बाहर। वंश, लाश को पहले किसने देखा था? हमने सर, मेरा नाम गौरव है, मैंने ही आपको कॉल किया था। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? संभल के। नहीं सर। अरे ये तो किशोर है। किशोर कैसे मर गया? ये तो मेरे साथ काम करता है साहब, इसको किसने मार दिया? आप कौन है? मैं जीवन हूँ, मेरी सब्जियों की दुकान है साहब, वो ये मेरे साथ ही काम करता था। शाह को मारने का 2 निशान है सर, ये देखिए पीठ पे। दया, लगता है धोखे से मारा है इसे पीछे से। जीवन जी एक बात बताइए, किशोर की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा लड़का था,
बहुत ही नेक, शांत, सब बहुत पसंद करते थे उसे यहाँ पे। देखो, हमें तो लगता है कि किशोर को आप में से किसी ने मारा है। आपकी मंडी में से ही कोई है जिसने ये किया है। आता भाई के कोई निशान तो नजर नहीं आ रहे सर। इसके पीठ पे घाव बहुत गहरा है, लगता है किसी तेज हथियार से वार किया गया है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। देखो जरा अच्छी तरह से देखो आसपास, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वो क्या है दया? टूटी हुई चूड़ी। सर कहीं ये घुनी की तो नहीं? हो सकती है श्रेया। ये तो मेरे रेस्टोरेंट की मालकिन डॉली मैम की चूड़ी है, वो ऐसी ही चूड़ियां पहनती है और यहीं से सब्जियां मंगवाती है। लगता है सर खून उसी ने किया और उसी दौरान चूड़ी टूट के यहाँ रह गई। ये तुम्हारी डॉली मैम कल रात को कहाँ थी कुछ पता है? रेस्टोरेंट पर ही थी सर। हाँ, तभी एक कॉल आया था और वो बिना बताए वहाँ से निकल गई। अच्छा, तुम्हारी डॉली मैडम और किशोर के बीच कोई झगड़ा किसी बात को लेके कहा सुनी हुई थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सर मैं यकीन से कह सकता हूँ वो ये खून नहीं कर सकती। वो ऐसी औरत है ही नहीं, थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन किसी का खून नहीं कर सकती। डॉली को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, समझे? ये बताओ डॉली इस वक्त कहाँ है? सर कल रात से ही उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है, उनके रेस्टोरेंट और घर दोनों जगह कॉल किया लेकिन वो थी ही नहीं। श्रेया, डॉली के रेस्टोरेंट और घर का पता लगा। एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर, ये मार्केट यहाँ पे रात 9 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए थे जब आपको ये लाश मिली? वो क्या है साहब कि डॉली मैडम ने हमें सब्जियों का एक बड़ा ऑर्डर दिया था जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी किशोर की थी। कल रात को गौरव जी का मेरे पास फोन आया कि ऑर्डर अभी तक पहुँचा नहीं है हमारे पास, तो मैंने इन्हें मंडी में ही बुला लिया ताकि इनको सब्जियाँ मैं यहीं से दे दूँ। तभी सर मैंने इस लाश को यहाँ पे देखा। एक बात बताइए, डॉली के अलावा और कौन कर सकता है? आपको किसी पर शक है? मैं यहाँ सब्जियों का थोक विक्रेता हूँ, यहाँ पे सारे लोग सब्जियाँ मुझसे ही खरीद के ले जाते हैं। मेरे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा काम कर सकता है। तो डॉली की चूड़ियाँ तो ये इशारा कर रही हैं कि जिस वक्त खून हुआ डॉली यहीं मौजूद थी। सचिन, कभी कभी कोई चीज जो बड़ी आसानी से दिखती है, बड़ी आसानी से मिलती है, वो जानबूझकर डाली भी जा सकती है किसी को फंसाने के लिए या हमें गुमराह करने के लिए, जैसे इस केस में डॉली को फंसाने के लिए हो। हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये डॉली की ये टूटी हुई चूड़ी, फिर डॉली का गायब होना, ये डॉली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसका पता लगाना ही चाहिए। है कहाँ ये? कहाँ भाग कर गायब हो गई डॉली? दया, एक बात समझ में नहीं आ रही, खूनी के पास पूरी रात थी लाश को ठिकाने लगाने की, फिर भी वो लाश को यहीं पे छोड़कर क्यों गया? तो हो सकता है कि डॉली से ये लाश उठी ना, पूरी में भर सकी वो लाश को? नहीं दया, इस डॉली के पास कोई वजह भी तो नहीं है खून करने के लिए, कोई डिलीवरी के ऊपर खून थोड़ी कर देता है। नहीं 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 साहब। हाँ क्या है साहब? तो क्या है, कुछ कहना चाहते हो? डरो मत, बताओ। जीवन ने आपको एक बात नहीं बताई। तो तुम बता दो उसने क्या बात नहीं बताई। साहब कल मोतीलाल और जीवन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था साहब, अगर किशोर बीच में नहीं आता ना तो आज एक नहीं दो दो लाशें बिछी होती। केवल मोतीलाल ने जीवन की लड़की की तरफ, बेटी की तरफ देखा तो जीवन ने सोच लिया मोतीलाल को मारने का, समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, ये उर्मिला जीवन की बेटी इस वक्त कहाँ मिल सकती है? शायद अपने घर पे होगी। जीवन की बेटी से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो ये सारा चक्कर है क्या। चलो घर देखो। चलिए साहब। ये मोतीलाल कौन है? ये वो भी हमारे तरह एक धंधे वाला ही है, पर पक्का 420 है, इसीलिए उसका धंधा नहीं चलता है साहब। कहाँ उसकी दुकान? साहब ये है। ये जी साहब। तेरे यहाँ दुकान पे तो कोई भी नहीं है? बड़ी अजीब बात, मतलब माल चोरी होने का डर भी नहीं। सर ये बोरियां
सर ये तो बिल्कुल वैसी ही बोरियां हैं जैसी बोरी में हमें किशोर की लाश मिली। खोल कर देखो एक एक बोरी। आप ये देखिए सर, बोरी पे खून लगा हुआ है, सूखा हुआ खून, लगता है कल रात का खून है। तो ये मोतीलाल इसीलिए यहां से भाग गया है। सर चाकू, और वो भी खून से सना हुआ। मोतीलाल की लड़ाई तो जीवन से हुई थी, तो फिर किशोर को किसने मार दिया? ये तो अब मोतीलाल ही बताएगा किशोर को किसने मारा। सर ये मोतीलाल तो ताला मार के कहीं भाग गया लगता है। ओ, सचिन सर ये बदबू, सर ऐसा लग रहा है अंदर कोई चूहा मर गया है। हो सकता है मोतीलाल ने किसी को मार के अंदर रखा हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। घर का कोना कोना छान मारो, एक एक बॉक्स देखो, एक एक बोरी देखो। ओह माय गॉड सर, हाँ लगता है यहीं पे कुछ है। सर इतने सारे कार्टन्स, जीवन सब्जी भंडार, ये जीवन के कार्टन मोतीलाल के घर पे। एक एक कार्टन खोल कर देखो, एक एक कार्टन को देखो इसके अंदर है क्या। सर हाँ सर, इन सब में तो सड़ी हुई सब्जियां हैं। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है ये मोतीलाल के घर पे जीवन सब्जी भंडार के कार्टन्स क्या कर रहे हैं। वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जीवन ने ये सारे कार्टन मोतीलाल को भेजे, या फिर मोतीलाल ने खुद ही चुराया। सब्जियों से भरे हुए जीवन मोतीलाल को देगा। मुझे तो लगता है मोतीलाल ने ये सारे कार्टन सब्जी से भरे हुए चुरा कर यहाँ छुपा दिए। जरूर किशोर ने उसे रंगे हाथ पकड़ा होगा, और फिर इसीलिए मोतीलाल ने किशोर को मारा भी होगा। सर हाँ देखिए सर, चूड़ी वहां पड़ी थी सर, बिल्कुल वैसी है। हाँ बिल्कुल डॉली की चूड़ी जैसी, जो हमें किशोर की लाश के पास से मिली थी। ये सारा चक्कर है क्या, ये हमें डॉली बता सकती है। डॉली का मोबाइल फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है वो। और वंश, इस घर पर कड़ी नजर रखो, अच्छी तरह से नजर रखो, ये मोतीलाल फिर से वापस यहीं पर आएगा वो। और मेरी बात तो सुन। अब सुनने समझने को कुछ नहीं रह गया, जा रही हूं मैं। अरे बेटा, अरे मुझे छोड़ के कहां जाओगी तू? कहीं भी जाऊंगी पर यहाँ नहीं रहूंगी, दम घुटता है मेरा यहाँ। नहीं क्या हो गया है तुझे? अरे बेटी की डोली निकलती है बाप के घर से, बेटी इस तरह से गुस्से से नहीं जाती। आप चाहते ही नहीं है कि मेरी डोली उठे। क्या हो गया उर्मी तुझे, क्या हो गया? अरे ये तो हर बाप का फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। बस बाबा बस, आपको तो मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं था, हमेशा एक पहरेदार की तरह मुझ पर अंकुश लगाए रखा। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, जैसे मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बेटा, बेटा यहाँ मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ बेटा ये। कौन सी भलाई बाबा, बस अब तो मैं आऊंगी ही नहीं, बस मैं जा रही हूँ। उर्मी बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। साहब आप लोग अचानक, सब्जी मंडी में जो झगड़ा हुआ था वो आपकी बेटी की वजह से हुआ था, इसलिए हम आपकी बेटी से कुछ बात करने आए। सर उर्मी, जीवन जी एक मिनट, बोलो क्या बताना चाहती है? ये सब उस आवारा बच्चलन मोतीलाल की वजह से हुआ है, उसने मुझसे मेरा किशोर छीन लिया। किशोर को छीन लिया मतलब? तुम और किशोर एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, मैं और किशोर एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मी क्या पक रही है,
और किशोर की मौत के जिम्मेदार आप भी हो। ना ही आप उस दिन मोतीलाल को धमकी देते और ना ही मोतीलाल किशोर को मारता। ये गलत है बेटा। कभी आपने समझने की कोशिश की कि आपकी बेटी के दिल में क्या है? मैं किशोर से प्यार करती थी। कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की। एक आपके अलावा सब जानते थे हमारे बारे में। तो बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर आप कभी अपने काम में व्यस्त रहते थे तो कभी लोगों से झगड़ने में। उर्मिला शांत हो जाओ, जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। किशोर का खून किसने किया ये बात अभी तक साफ नहीं हुआ है, पर अगर मोतीलाल गुनहगार है तो उसे पकड़ के उसे सजा जरूर दिलवाएंगे हम लोग। पर उससे मेरा किशोर वापस तो नहीं आएगा ना? किशोर वापस तो नहीं आएगा, पर उसके खूनी को पकड़ के उसे इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और आप मोतीलाल के बारे में जो कुछ भी जानती हैं बता दें। सर, डॉली का कॉल रिकॉर्ड आ गया। क्या पता सर? कल रात आखिरी कॉल उसने किशोर को किया था। उन दोनों के बीच में लगभग 5 मिनट तक बात हुई थी। जीवन जी, सब्जी की डिलीवरी को लेके किशोर और डॉली जी के बीच बात होती थी? साहब, वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। डिलीवरी को लेकर के उनके असिस्टेंट गौरव से ही बात होती थी। तो फिर ये डॉली ने किशोर को फोन क्यों किया? वो भी इतनी रात गए, 5 मिनट तक बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशोर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था। अब जो भी हो, इतनी लंबी बात हुई है फोन पे, तो कोई प्लानिंग तो की होगी शायद कहीं मिलने की। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर डॉली किशोर से मिलने मंडी गई थी तो फिर मोतीलाल के घर पे उसकी चूड़ी कैसे मिली? अब ये तो इन दोनों में से जब कोई एक पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। चलो चलते हैं, समय नहीं हमारे पास। एक मिनट उर्मिला, माँ बाप कभी कभी प्यार में अंधे हो जाते हैं। बच्चों की हिफाजत करने के लिए उनकी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिश्ते टूट जाते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मुश्किल घड़ी में साथ रहना, इसी को परिवार कहते हैं। इसलिए घर छोड़ के मत जाओ। क्या हुआ, कुछ लिखा क्या? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। अरे क्या यार तारिका, तुम आंख भी टेस्ट नहीं कर सकती क्या ढंग से? अरे सर कर रही हूँ ना, बस 2 मिनट दीजिए। क्या 2 मिनट? इतनी देर से आंखें चौड़ी करके रखी है फिर भी। क्या ढूंढा जा रहा है डॉक्टर साहब की आंखों में? अगर शर्म और हया ढूंढ रही हो तो वो तो नहीं मिलने वाला। ऐसा मेरी आंखों में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है ये छोड़ो, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिना ढूंढे ही शैतानियत नजर आ रही है। सर आपने तो दिल पे ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक है ये मजाक? अरे डॉक्टर साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब के आंखों का पावर बढ़ गया क्या? सर अगर इनकी आंखों का नंबर बढ़ गया तो फिर ये फॉरेंसिक लैब में क्या करेंगे? क्यों भाई, मेरी आंखों के पावर से फॉरेंसिक लैब का क्या लेना देना है? आंखों से दिखना कम हो जाएगा, मेरा मतलब है फॉरेंसिक लैब में इतनी सारी लाशें आती रहती है और हम भी आते रहते तो फिर पता कैसे? बच्चे इन आंखों से भी जो कुछ दिखाई दे गया है ना, वो अगर तुम सुनोगे ना वो छोड़ जाएंगे तुम लोगों के। तो ठीक ठीक बताइए ना सर, क्या पता चला है? बताता, पहली बात तो ये कि इस चाकू से ही इस पर वार किया गया। जो गूंद पर जो मार्क है वो इस चाकू के मार्क से मैच करते हैं। तो खूनी के उंगलियों के निशान भी मिले होंगे इस चाकू के ऊपर? नहीं भैया, खूनी बहुत होशियार है, उसने अपने कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। हाँ लेकिन एक बात जरूर है जो गौर करने लायक है, इसकी नाक पर ये जो छिलने का निशान है ये एक एविडेंस हो सकता है। अरे भाई ये गिर रहा होगा तो जमीन से या दीवार से इसकी नाक छिल गई होगी, ये कौन सा इंपॉर्टेंट एविडेंस हो गया? अभिजीत बाबू, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ना, वैसे हर छिलने का निशान दीवार या जमीन से टकराने की वजह से नहीं होता है। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बताइए ना, क्या पता चला आपको? नाक का ये छिलने का निशान किसी मेटेलिक चीज से रगड़ खाने की वजह से, उससे घिसने की वजह से हुआ। पर वहां क्राइम सीन में हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। तो भाई तुम्हारे देखने में कोई गलती रह गई? अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये है आपकी होश उड़ाने वाली इंफॉर्मेशन है? खबर करो जरा, होश उड़ाने वाली खबर अभी आने वाली है। आलू के साहब जल्दी बताइए ना, मुझे ना सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बताता हूं, आप ये देखो इसकी आंखों को गौर से देखो,
क्या है इसकी आंखों में? इसकी आंखों की पुतलियों को देखो, पुतलियों को जरा गौर से देखो। ये देखो ये पुतलियां कितनी ज्यादा फैली हुई है। किसी भी नॉर्मल इंसान की चाहे कितना भी अंधेरा हो इतनी ज्यादा पुतलियां नहीं फैल सकती। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहना ये चाहता हूँ दया कि इतनी ज्यादा पुतलियां तभी फैलती हैं जब या तो इंसान ड्रग लेता हो या ऑक्सोटॉक्सिन या वेस्परोसिन नाम के हार्मोन्स उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गए। और बॉडी ये हार्मोन्स तब सीक्रेट करता है जब कोई चाहने वाला उसके सामने आता है। सर इसका मतलब ये ड्रग्स नहीं लेता, इसकी बॉडी में जरा से भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं। इसका मतलब इसके सामने कोई ऐसा आदमी था जिसे ये पसंद करता था जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और कातिल ने इसे पीछे से हमला कर दिया। सर यानी कि इस बेचारे को किसी अपने ने ही धोखा देकर मरवाया है। जो भी है मतलब वहाँ पे दो लोग तो थे, एक सामने और एक पीछे। ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये डॉली, मोतीलाल, जीवन, उर्मिला, गौरव और वो वेंडर्स, उनमें से कोई भी तो हो सकता है। हेलो, ओह आई सी, ठीक है, थैंक यू। क्या इस मोतीलाल के कॉल डिटेल्स मिल गए हैं? उसने कल एक दिन में किसी नरेन नाम के आदमी को 53 बार कॉल किया है। नरेन? ये करता क्या है नरेन? इसके बारे में कुछ पता चला? वेजिटेबल का होलसेलर है। वेजिटेबल होलसेलर, मिलना पड़ेगा नरेन से। हे बोला ना तुझे, अब भी मार्केट में माल मत निकालना। कब तक? जब तक माल के दाम आसमान ना छूने लगे तब तक। अरे यही माल तो अपने को मालदार बनवाएगा और मैं अमीर लोगों की तरह नोटों की हवा खाएगा। हवा तो तू जेल की खाएगा नरेन, जेल की हवा खाएगा। कौन है तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी का नाम सुनते ही हंसी गायब। सर मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ बस, लेकिन जेल नहीं जाना चाहता सर। जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा। करोगे? क्या करना पड़ेगा सर? इसे पहचानते? नहीं सर, कौन है? नहीं जानते हो? हाँ, कल 53 बार फोन किया इस आदमी ने तुम्हें। हाँ सर, मोतीलाल नाम का एक बंदा है, वो मुझे बार बार फोन पर परेशान करता रहता है। और ये मोतीलाल तुम्हें फोन पे क्या बोलता है? वो जानना चाहता है कि किशोर के साथ मेरी क्या डीलिंग है, मैं सब्जियां उसे किस रेट पर देता हूँ, यही सब जानना चाहता है। लेकिन सर मैंने आज तक उसे कुछ भी नहीं बताया। धंधे की डिटेल जानना चाहता था मोतीलाल तुमसे। क्यों? मोतीलाल तो चोरी का धंधा करता है। चोरी करता है वो सब्जियों की जीवन के गोदाम से। चोरी का तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ जब से किशोर ने सब्जियों का धंधा खोला है और वो मुझसे माल ले जाने लगा तभी से मोतीलाल नाम का बंदा मुझे फोन पर परेशान करता रहता है सर। किशोर का सब्जियों का व्यापार? लेकिन किशोर तो जीवन क्या काम करता था? नहीं नहीं सर, उसने ना चुपके से सब्जियों का धंधा खोल लिया था और मुझसे वो डबल माल लेता था। आधा माल जीवन को देता था और आधे का घोटाला करता था। वो बहुत चालू आदमी है, उसे आप छोड़िएगा मत। वो अभी आता ही होगा सर। नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा? क्यों? मर चुका है वो। क्या? मेरे को मालूम था सर, उसकी हरकतों की वजह से मुझे पूरा यकीन था कि वो एक ना एक दिन मारा जाएगा सर। कैसी हरकतें? उसका जीवन की लड़की के साथ और उसकी नई पार्टनर के साथ चक्कर चल रहा था सर। क्या ये है वो पार्टनर डॉली? नहीं, ये वो नहीं है। उसका नाम तो नीता था। नीता? नीता? ये नीता कौन है? तुम नीता हो? जी हाँ, पर आप लोग? सीआईडी। इतनी घबरा क्यों गई तुम? हम तो बस कुछ सवाल पूछने आए हैं तुमसे।
कैसा सवाल? यही कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। तो फिर जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है, मारा गया है वो। मैं और किशोर मिलकर सब्जियों का व्यापार करते थे। लेकिन उसमें तुम क्या करती थी? मैं मार्केट में सब्जियां पहुंचाने का काम करती थी और किशोर जीवन जी की सब्जियों की हीरा फेरी करता था। तुम किशोर से मिलने यहाँ क्यों आई थी? बहुत दिनों से किशोर मुझसे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे गोदाम में मिलने चली आऊं। ये है किशोर का गोदाम जहाँ पर वो हीरा फेरी किए हुए सब्जियां रखता है? जी हाँ। गोदाम की चाबी चाहिए हमें, है तुम्हारे पास? जी हाँ। अरे ये तो डॉली है। सांसें चल रही हैं सर, जिंदा है। खोलो खोलो इसे। सर इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ ये देखिए सर, लगता है इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर ये लड़की कौन है और यहाँ कहाँ से आई? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए। तुम बताओ ये अंदर कैसे आई? आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इस गोदाम की चाबियाँ कितनी हैं? दो, एक तुम्हारे पास, एक किशोर के पास। किशोर तो अब रहा नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि डॉली को यहाँ कौन लेकर आया होगा? तुम। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं जानती मैं। आपको क्या लगता है सर, फिर सच बोल रही है? मान लिया कि ये सच बोल रही है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मोतीलाल डॉली को यहां लेकर आया, क्योंकि डॉली की चूड़ी का टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था जहां पर खून हुआ था। हो सकता है डॉली ने मोतीलाल को खून करते हुए देख लिया, बस मोतीलाल अपने आप को बचाने के लिए डॉली को किडनैप किया और यहां गोदाम में लाके छुपा दिया। ये सारा माजरा क्या है ये तो अब डॉली होश में आने के बाद ही पता चलेगा। नर्स बीपी चेक कर लो। यस सर। सर इनका बीपी काफी लो होते जा रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है? काफी क्रिटिकल है, बीपी लो होता जा रहा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, यानी कब तक होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी वक्त लग सकता है। अब क्या करें सर? समझ में नहीं आता ये मोतीलाल अचानक गायब कैसे हो गया। वो अगर हाथ लग जाता ना तो बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर डॉली जितने जल्दी होश में आ जाए हमारे लिए बहुत अच्छा है। हेलो, क्या? थैंक यू सर, आपका अंदाजा सही निकला। इस लुका छुपी के खेल के बाद मोतीलाल अपना सर छुपाने अपने ही घर गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे मोतीलाल। पंच मोतीलाल जी, हमको धोखा दे रहे थे? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! खून किया है तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। हमें गलतफहमी हो रही है, बताओ क्या किया है तुमने? जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई, डॉली को किडनैप किया, किशोर का खून किया। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही डॉली जी का अपहरण किया है। हाँ साहब, मैंने जीवन की दुकान से सब्जियां चुराई है क्योंकि किशोर के धंधले की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा था, इसलिए किशोर से बदला लेना चाहता था। नहीं साहब, मैं सिर्फ अपना धंधा जमाना चाहता था, इसलिए किशोर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे नरेंद्र के बारे में पता चला। मैं चाहता था कि सब्जियों को जो धंधा किशोर नरेंद्र के साथ कर रहा है वो धंधा मैं करूं
और मैं फायदा कमाऊं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो फिर छुप क्यों रहे थे हमसे? साहब, सबसे पहले किशोर की लाश को मैंने देखा, वो मेरे दुकान के पास पड़ी थी। उस दिन जब मैंने जीवन की दुकान से सामान चुराया और अपने घर पे लाके रखा, तो मुझे लगा कि एक आखिरी बात मान कर लूं कि चोरी करते वक्त मुझे किसी ने देखा कि नहीं। साहब, उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। के सामने से लाश उठा दूंगा तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। तो तुम्हारी दुकान के सामने किशोर की लाश थी, तो इसका क्या ये मतलब होता है कि तुमने किशोर का खून किया ही नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया। ये तुम पता लगा ही लेंगे मोतीलाल जी, खून किसने किया है। अगर मोतीलाल ने किशोर का खून नहीं किया तो फिर ये खून किया किसने? क्यों? एक बार फिर से कोना कोना छान मारते हैं। सर, हम तो इस जगह को अच्छी तरह छान चुके हैं। सर, शायद वो जगह रह गई है जहां पे मोतीलाल को किशोर की लाश मिली थी पहले। हाँ, कहाँ मिली थी लाश? सर, वहां औधे में पड़ी हुई थी लाश। चलो। लेकिन सर, जरा किशोर बन जा। यहाँ पे औंधे मुंह पड़ी थी लाश, मतलब वो इस तरफ किसी से बात कर रहा होगा, पीछे से चाकू मारा, वो मुड़ा और लड़खड़ा के यहाँ पे गिर गया। खून यही होगा सर। हाँ, कुछ ना कुछ तो यहाँ होना ही चाहिए, कोई सुराग। देखते हैं, दुकान को ढूंढो अच्छी तरह से। ये लॉकेट, इसमें खून भी लग रहा है। लगता है ये वही ऑब्जेक्ट है सर जिसे किशोर की नाक छिली थी। पर है किसका ये लॉकेट? प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नाम में क्या रखा, काम की बात करते हैं। आपको अगर कोई सब्जियों की बात करनी है तो बाबा से कीजिए। मैं तुमसे उस कीमती चीज की बात करना चाहती हूँ जो कल रात तुमसे खो गई थी। कल रात क्या खोया था? याद करो, दिमाग पर जोर डालो, और अगर फिर भी याद ना है तो अपने गले पे नजर डालो, जरूर याद आ जाएगा। याद आया? मेरा लॉकेट। घबराओ मत, तुम्हारी उस कीमती चीज को तुम्हारी अमानत समझकर मैंने संभाल कर रख दिया। आज रात सब्जी मंडी में आकर ले जाना। कौन थी वो? अरे मैडम, किधर जा रही है इतनी जल्दी में? वो मेरा कोई सामान यहाँ गुम हो गया है। हाँ, मुझे भी कल किसी का खोया हुआ सामान मिला था। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं घर में बिना बताए इतनी रात को आई हूँ। जो भी सामान है प्लीज मुझे दे दो। अच्छा, रुको रुको रुको। अरे, बड़ी जल्दी में रहती हो हमेशा। उस दिन भी जल्दी में थी, आज भी जल्दी में हो, क्या बात है? उस दिन? किस दिन? उस दिन जिस दिन तुमने अपने मंगेतर किशोर का खून किया था। खून? खून?
सीआईडी बहुत शातिर चाल चल रही थी तुम, हमको बेवकूफ बनाने निकली थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी निर्दोष है। मैंने कहा ना, उसे जाने दो, मेरी बेटी निर्दोष है, नहीं तो मैं अपने आपको गोली मार लूंगा। इसने किशोर का खून किया है, इस तरह धमकी देके इसे बचा नहीं सकते तुम। मैंने मारा है किशोर को, मैंने। सब लोग अपनी गन नीचे करो। देखो बेवकूफी मत करो। मैंने कहा ना, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आपको गोली मार लूंगा। ठीक है, हम अपनी गन नीचे रखते हैं। अभिजीत, गन नीचे करो। तुम्हें क्या लगा शर्म करके बच जाएगा तू? हाँ साहब, मैंने मारा है किशोर को, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। उसे उसके किए की सजा से भी इसी तरह मिल सकती थी। क्यों मारा तुमने किशोर को, क्या वजह थी? किशोर धोखेबाज था साहब, उसने मेरे पीठ में छुरा भोंका था। अपने बेटे की तरह मानता था मैं उसे। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने आस्तीन में एक जहरीला नाग पाल रहा हूँ और वो मुझे बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा था। आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो आपको उसका खून करना पड़ा? मेरे पीठ पीछे मेरे ही पैसों से उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया था साहब। मेरे अच्छे अच्छे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने लग गया था, जिससे मेरे धंधे को बहुत नुकसान होने लग गया था। बस सिर्फ इसी बात को लेकर मार डाला तुमने उसे? नहीं जीवन, कोई और भी वजह है। क्या वजह थी बताओ? धोखा दे रहा था मेरी बेटी को, इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था वो। अब आप ही बताइए साहब, एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता है? जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया साहब। और उर्मिला, तुमने भी अपने पिता का साथ दिया इस जुर्म में? तुम्हें तो सब कुछ पता था ना? मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ अपने बाबा के कारोबार को बचाने के लिए हाँ कर दी। और उस रात किशोर के पास सज सज के चली गई। डॉली जी ने मुझे किशोर का खून करते हुए देख लिया था साहब। जैसे ही वो बेहोश हो गई, मैंने उन्हें किशोर के गोडाउन में छुपा दिया। ठीक समय देखकर मैं उन्हें भी मार देता। बदले की आग में अपनी बेटी की जिंदगी सवारने के बजाय उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। घसीट लिया उसे भी अपने घिनौने जुर्म में। क्या मिला तुम? कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें। फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।